हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल ओनली टीचिंग में। और आज मैं आपके सामने जीके क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ, और यह है इस सीरीज़ का पार्ट वन, जिसमें कि हम ज्योग्राफी से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आने वाली मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड किस तरीके से मूव करते हैं? सर्कुलर पाथ, एलोंगेटेड पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ या ट्रायंगुलर पाथ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एलोंगेटेड पाथ। अब एलोंगेटेड पाथ देख लीजिए फ्रेंड्स कैसे होता है। जैसे मान लीजिए सन है, तो जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है, सर्कुलर मूव नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट। प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे? गल्फ ऑफ गुएना, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मैक्सिको या गल्फ ऑफ ओमान? तो इसका आंसर है गल्फ ऑफ गुएना, ठीक है। तो अब गल्फ ऑफ गुएना, गल्फ होता क्या है सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि गल्फ क्या होता है, ठीक है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, गल्फ हम कह सकते हैं एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो लगभग हर तरफ से लैंड से घिरी होती है और कहीं एक तरफ ओपनिंग होती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो ये जो है बीच का एरिया, ये गल्फ है, क्योंकि ये तीन तरफ से, तो ये लैंड से यहाँ पे घिरी हुई है और ये बस ये एक जो है ये ओपनिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो एरिया होता है इसको हम गल्फ कहते हैं। जो गल्फ ऑफ गुएना है ये वेस्टर्न अफ्रीका की तरफ पड़ता है और वहाँ पर जो प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। प्राइम मेरिडियन वन डायरेक्ट रेज होती हैं, वो इक्वेटर पर कब पड़ती हैं? तो इसका आंसर है 21 मार्च, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 21 मार्च। साल में दो बार 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज पड़ती हैं इक्वेटर पे। इस दिन डे और नाइट इक्वल होते हैं, ठीक है, और इसे इक्विनॉक्स भी कहते हैं, इक्विनॉक्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। कौन सा माउंटेन रेंज जो है यूरोप को एशिया से अलग करता है? द एंडीज, द हिमालय, द यूराल, द रॉकीज? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूराल्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय। जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है किससे? इस्थमस, स्ट्रेट, कैनल या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स इस्थमस। अभी इस्थमस क्या होता है, इस्थमस समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे कि अगर कोई दो लैंड, जैसे ये है और एक ये है, किसी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से जुड़ी हो आपस में, तो इसको हम कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इस्थमस। जो नॉर्थ अमेरिका है और जो साउथ अमेरिका है वो पनामा इस्थमस से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। स्ट्रेट अलग चीज़ होती है। स्ट्रेट में क्या होता है कि दो वाटर बॉडीज़ आपस में कनेक्टेड होती हैं किसी नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर से। जैसे कि अगर आप देखें, जो श्रीलंका है और जो इंडिया है वो एक दूसरे से अलग हैं पाक स्ट्रेट की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंद्रू फॉल्स एंड जॉग फॉल्स आर सिचुएटेड इन। हुंद्रू फॉल्स और जॉग फॉल्स कहाँ पर है? ऑप्शन ए झारखंड या कर्नाटक, बी झारखंड या तमिलनाडु, सी बिहार या कर्नाटक, डी सिक्किम या तमिलनाडु? इसका आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड एंड कर्नाटक। जो हुंद्रू फॉल है वो झारखंड में है। कई बार आपको ऑप्शन में छोटा नागपुर प्लेट्यू दिख जाए,
तो आप छोटा नागपुर प्लेट्यू ही लगाइएगा क्योंकि वो भी झारखंड में ही है, ठीक है। और जो जॉगफॉल है वो कर्नाटक में है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय, श्रीलंका इंडिया से अलग है किससे? पाक स्ट्रेट से, बैरिंग स्ट्रेट से, जिब्राल्टर स्ट्रेट से या हॉर्मुज स्ट्रेट से? फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेटेड है किससे? पाक स्ट्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल इज रिसीव्ड इन, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? बोको आइसलैंड गुएना, सिचुआन चाइना, मौसिनराम इंडिया, टोटेंडो कोलंबिया? इसका आंसर है सी, मौसिनराम इंडिया। ये मेघालय में है, ठीक है, इसका याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ फल फूल सकते हैं? सलाइन वाटर यानी खारे पानी में, फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी में, पॉल्यूटेड वाटर या नन ऑफ दीज? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सलाइन वाटर, ये खारे पानी में फल फूल सकते हैं। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है मेनली ये सुंदरवन जो कि वेस्ट बंगाल में है और अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं, मेनली ये यहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा इन दोनों प्लेसेस के नाम। सुंदरी एक मैंग्रोव की स्पीसीज है और इसी के नाम पर सुंदरवन डेल्टा भी पड़ा है, तो सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी पर पड़ा है जो कि एक मैंग्रोव की स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड विंड्स ब्लो फ्रॉम, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के टाइम जो विंड्स होती है वो किस तरफ बहती है? लैंड टू सी, सी टू लैंड, प्लेटी टू प्लेन या माउंटेन टू प्लेन? इसका आंसर है सी टू लैंड। साउथ वेस्ट मानसून पीरियड क्या होता है एक बार इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है, तो जो साउथ वेस्ट मानसून होता है मेनली यहाँ पे ये अरब सागर है, ये पूरा अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून में क्या होता है कि जो विंड्स होती हैं वो इस तरफ से ब्लो करती हैं, यूं ऐसे ब्लो करती हैं, यहाँ से भी ब्लो करती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून पीरियड होता है। इसके अलावा ये जून टू सितंबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज, दुनिया में सबसे गहरी माइन कहाँ पर है? अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया या चाइना? इसका आंसर है बी, साउथ अमेरिका, ये लगभग 4 किलोमीटर डीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोर ऑफ अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ, जो अर्थ का कोर है वो किससे बना है? सिलिकॉन मैग्नीशियम, सिलिकॉन एलुमिना, निकल एंड आयरन या नन ऑफ दीज? इसका आंसर है ऑप्शन सी, निकल एंड आयरन। इसको याद करने का आसान तरीका है, निकेल को हम एन आई लिख सकते हैं शॉर्ट में और आयरन को हम लिख सकते हैं एफ ई, आपने साइंस में पढ़ा होगा आयरन को हम एफ ई लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एन आई एफ ई यानी कि नाइफ, ठीक है। तो जो अर्थ का कोर है वो किससे बना है? नाइफ से, नाइफ एन आई फोर निकेल एंड एफ ई फोर आयरन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का रेडियस कितना है? 6,371 किलोमीटर, 5,921 किलोमीटर, 7,482 किलोमीटर या 8,147 किलोमीटर? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6,371 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा, इनमें से कौन सा रॉक है जो कि पिघले हुए मैग्मा से बना होता है? इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स या नन ऑफ दीज? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इग्नीशियस रॉक। इग्नीशियस रॉक कौन से रॉक्स होते हैं? मेनली होता है क्या है कि जो
अर्थ का जो कोर है, कोर से ऊपर मेंटल होता है, जो मेंटल एरिया है वहां पे क्या होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं मेनली वो पिघले हुए होते हैं, और जब ये बाहर आते हैं वोल्केनो के थ्रू तो ये बाहर आके ठंडे होते हैं और कोल्ड होके रॉक्स बन जाते हैं। इन्हीं रॉक्स को हम इग्नीशियस रॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल? कौन सा इनमें से वर्ल्ड्स का हाईएस्ट वाटरफॉल है? एंजल फॉल, विक्टोरिया फॉल, जॉग फॉल या बोगोमिला फॉल? इसका आंसर है एंजल फॉल, ऑप्शन ए। ये वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन। जो अर्थ है वो सन से कब मैक्सिमम दूरी पर होती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अर्थ सन से सबसे दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द टर्म मिडनाइट सन? मिडनाइट सन का क्या मतलब होता है? ट्वाइलाइट, राइजिंग सन, वेरी ब्राइट मून या सन शाइनिंग इन द पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सन शाइनिंग इन द पोलर फॉर द लॉन्ग टाइम। इसको हम समझ लेते हैं, मिडनाइट सन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक अर्थ है। अब आपको ये पता होगा कि अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। मान लीजिए इसका एक्सिस है इस तरीके से टिल्टेड है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं इस पे, एक मिनट रुकिए, इस तरीके से देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये है। अब होता क्या है कि जब सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं इस पे, इस तरीके से सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं इस पे, तो इस पूरे एरिया पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ेंगी। अर्थ रोटेट अपने एक्सिस पे रोटेट होता है, तो होता क्या है कि इस पूरे पोल पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ेंगी, और ऐसा ये 6 मंथ तक कंटिन्यू होता है। 6 मंथ बाद क्या होता है कि सेम सिचुएशन यहाँ पर होती है इसकी दूसरी साइड पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको मिडनाइट सन कहते हैं, क्योंकि पोल्स पे मेनली क्या होता है, 6 मंथ्स कंटिन्यूसली डे और फिर 6 मंथ्स कंटिन्यूसली नाइट होती है, इसलिए इसको मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू। प्राइम मेरिडियन कहाँ से होके गुजरती है? पेरिस, ग्रीनिच, न्यूयॉर्क या दिल्ली? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीनिच। ग्रीनिच ये इंग्लैंड में है और यहीं से प्राइम मेरिडियन होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिसेंटर इज कंसर्न्ड विद। एपिसेंटर किससे जुड़ा हुआ है? अर्थक्वेक, वॉल्केनो, साइक्लोन या लैंडस्लाइड? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अर्थक्वेक। अब एपिसेंटर क्या होता है, एक बार इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। जब अर्थ की दो लेयर्स या दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, सपोज ये दो प्लेट्स हैं और ये आपस में टकरा रही हैं इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों प्लेटें हैं, ये एक अलग प्लेट है और ये एक अलग प्लेट है, ठीक है। और मान लीजिए ये यहाँ इस पॉइंट पे आके दोनों प्लेटें टकरा गई, तो होगा क्या, इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे प्लेटें आपस में टकराई हैं। और जस्ट इसके टॉप, जस्ट इस पॉइंट के ऊपर जो प्लेस होगा, इस पॉइंट के जस्ट ऊपर जो प्लेस होगा, इसको हम एपिसेंटर बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है एपिसेंटर। नेक्स्ट, द मेजोरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ विच रॉक? जो अर्थ की क्रस्ट है वो मेनली किसकी बनी हुई है? इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स या कार्बोनेट? इसका आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन।
ऑक्सबोलिक्स कहाँ पाए जाते हैं? ग्लेशियर्स में, रिवर वैलीज में, डेजर्ट्स में या ओशन में? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिवर वैलीज में। अभी ऑक्सबोलिक्स क्या होते हैं एक बार इसको समझ लेते हैं हम। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, मेनली रिवर, रिवर कैसे फ्लो करती है, इसी तरीके से तो फ्लो करती है रिवर, इस तरीके से धीरे धीरे ये थोड़ी तिरछी यूँ होने लगती है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे रिवर कंटिन्यूसली फ्लो होती है, जो इसका ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपस में काफ़ी क्लोज आने लगता है। बिकॉज रिवर कंटिन्यूसली मूव करती है तो यहाँ पे काफ़ी प्रेशर होता है, तो इस तरीके से ये आपस में काफ़ी क्लोज आने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और फिर मिल के आपस में जो इसकी मेन स्ट्रीम होती है उससे कट के अलग हो जाते हैं, और अलग हो के ये बन जाते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है ऑक्सबो लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द लेयर ऑफ ओजोन गैस इज फाउंड। इनमें से किस लेयर में ओजोन गैस पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या थर्मोस्फियर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर। मेनली फाइव लेयर्स होते हैं हमारे एटमोस्फियर के, ठीक है, जो सबसे अर्थ के सबसे पास्ट वाला लेयर होता है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, फिर उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होती है, फिर उससे ऊपर मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। तो मेनली फाइव लेयर्स होते हैं, ठीक है, आप इनके नाम याद रख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं स्पेशली ज्योग्राफी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नीशियस रॉक। इनमें से कौन सा एक इग्नीशियस रॉक है? ऑप्शन ए, लाइमस्टोन, स्लेट, मार्बल या बेसॉल्ट? तो इग्नीशियस रॉक इसमें है बेसॉल्ट, ऑप्शन डी इज राइट, बेसॉल्ट। जो लाइमस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो स्लेट है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, और जो मार्बल है वो भी मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मोरेन्स आर फॉर्म्ड इन। मोरेन्स कहाँ पे बनते हैं? ठीक है, तो इसका है ऑप्शन ए, ग्लेशियर रीजन, मॉनसून रीजन, रिवर डेल्टास या एरिड रीजन? तो इसका आंसर है ग्लेशियर रीजन। अब ये मोरेन्स क्या होते हैं इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जब रिवर फ्लो होती है तो अपने साथ बहुत सारी धूल, मिट्टी के कण, डेब्रीज, पेबल्स, सिल्ट्स वगैरह अपने साथ लाती है। और होता क्या है, जैसे ही वो मतलब मैदानी इलाके में आती है, प्लेन्स एरिया में, वो अपने किनारे, रिवर्स अपने किनारे क्या करती है, इनको इकट्ठा कर देती है और आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि माउंटेन रीजन में जो रिवर्स होती हैं वो ग्लेशियर फॉर्म में होती हैं, पूरी की पूरी बर्फ़ होती है जमी हुई। तो जब ये ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट होते हैं, तो जब ये ग्लेशियर्स फ्लो होने लगते हैं तो ये ग्लेशियर्स भी अपने साथ क्या करते हैं, सिल्ट्स, डेब्रीज जो माउंटेन एरियाज में पाई जाती हैं, पेबल्स, इनको अपने साथ लेकर आती हैं, और इनको भी ये धीरे धीरे, जैसे रिवर्स इनको साइड में इकट्ठा कर दी जाती हैं, ये भी साइड में इनको इकट्ठा कर देती हैं, और यही मोरेन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मोरेन्स ग्लेशियर रीजन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट। इनमें से कौन सा एक वार्म ओशन करंट है? ए, लेब्राडोर, बी, गल्फ स्ट्रीम, सी, कुरिले, डी, कैनेडी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट, लेब्राडोर कोल्ड ओशन करंट है, कुरिले, कैनेडी ये दोनों ही कोल्ड ओशन करंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई ओशन करंट्स होते क्या हैं। ठीक है, ओशन करंट्स क्या होते हैं एक बार हम इसको समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जो ओशन होती हैं, ओशन इनमें मूवमेंट होती है, जो वाटर्स होते हैं वो मूव करते हैं, और बेसिकली तीन तरह की मूवमेंट होती है, जो ओशन मूवमेंट्स होती है तीन तरह की होती है, वेव्स, ट्रेड्स एंड ओशन करंट्स। ठीक है, अब वेव्स क्या होती हैं आपने देखा होगा, जैसे कि वेव्स जिसको हम लहरें कहते हैं, जब वाटर इस तरीके से फ्लो होती है तो हम इसको कहते हैं वेव्स हैं ये। ठीक है,
इनको हम वेव्स कहते हैं, इस तरीके से जो अप डाउन जो मूवमेंट होती है वाटर की, हम इसको कहते हैं वेव्स। नेक्स्ट है टाइड्स, कि भाई टाइड्स क्या होते हैं। टाइड्स बेसिकली ये सन और मून की ग्रेविटी की वजह से क्रिएट होते हैं, ये कुछ नहीं होते, ये ह्यूज वेव्स होते हैं ओशन में, ह्यूज वेव्स, ठीक है। और ये जो ह्यूज वेव्स होते हैं ये अर्थ और सन की ग्रेविटी के कारण होते हैं। जो वाटर है अर्थ के सरफेस पे, वो सन की ग्रेविटी के कारण उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से ओशन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और इससे ह्यूज वेव्स क्रिएट होती हैं। सेम चीज़ मून के साथ भी होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। दिन में 2 बार टाइड्स आती हैं डेली, ठीक है। नेक्स्ट है ओशन करंट्स। अभी ओशन करंट्स क्या होती हैं, इसको हम समझ लेते हैं एग्जांपल से। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, पानी को गर्म करते हैं, तो जो पानी है, इसमें पानी है, ये कैसे मूव करती है। ये जो गर्म पानी है यहाँ का, ये ऊपर की तरफ मूव करता है, और जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करता है, जो ऊपर का ठंडा पानी होता है, ये इसकी जगह आती है लेने, इसको रिप्लेस कर देती है। तो इस तरीके से इनमें मूवमेंट होती है। सेम चीज़ क्या होता है ओशन में भी होता है। जैसे ये ओशन का सरफेस है, और जब सन की रेज इन पे पड़ती हैं, तो क्या होता है कि जो सरफेस का पानी होता है ये गर्म होके मूव करने लगता है इस तरीके से। ये इस तरफ भी मूव कर सकता है, इस तरफ भी मूव कर सकता है, ठीक है, तो ये मूव करता है। अब इनकी जगह क्या होती है, जो जहाँ पे सन की रेज मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ रही है या हल्की है, वहाँ पे पानी ठंडा होता है, और वहाँ से जो वाटर्स होती हैं वो इसको रिप्लेस करती हैं और वो इस तरफ आती हैं। तो सेम प्रोसेस इनमें भी होता है, और इसी की वजह से ओशन करंट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये कंटी जो ओशन करंट्स होते हैं इनका एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है, और ये पूरे साल इनमें मूवमेंट होती है, पूरे साल मूव कर रहे होते हैं, इनका एक डायरेक्शन फिक्स होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन वेयर। दुनिया का सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड किस एरिया में पाया जाता है। वार्म एंड कोल्ड करंट एटमोस्फेरिक करंट्स मीट्स, जहाँ पे वार्म और कोल्ड एटमोस्फेरिक करंट्स मिलते हैं। रिवर ड्रेन्स आउट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द सी, जो नदियाँ होती हैं वो बहुत सारा पानी, जहाँ पे नदियाँ समुद्र से मिलती हैं। सी, जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स आपस में मिलते हैं। या डी, जहाँ पे ओशन वेव्स कोस्ट लाइन को हिट करती हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन सी, जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स आपस में मिलते हैं, वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून। इसका आंसर है 22 मार्च, ऑप्शन ए, ठीक है। महोगनी एंड रोजवुड ट्रीज आर वन ऑफ द मेन ट्री स्पीसीज इन इंडिया आर कॉमनली फाउंड इन। जो महोगनी और जो रोज वुड ट्रीज होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं मेनली। ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल ड्राई डेसीड्यूस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डेसीड्यूस फॉरेस्ट में, या ऑप्शन डी मैंग्रोव फॉरेस्ट में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जो मेनली जहाँ पे पूरे साल बारिश होती है, ठीक है, और ये पूरे साल हरे भरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाय, जो टाइड्स होते हैं वो किस वजह से पैदा होते हैं। इफेक्ट ऑफ सन, इफेक्ट ऑफ मून, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड सन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, ये ऑप्शन डी इसका नहीं होगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30, विच रिवर क्रॉसिस द इक्वेटर ट्वाइस, कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। एमेजॉन, कॉन्गो, नाइल या ऑरिनोको। इसका है ऑप्शन बी कॉन्गो। कॉन्गो ये अफ्रीका में फ्लो
फ्लो होती है रिवर, इसकी लेंथ 4700 किलोमीटर है और ये वर्ल्ड्स की 9th लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज कैनल जॉइंस, स्वेज कैनल किन किन को जोड़ दिया? पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी, रेड सी एंड अरेबियन सी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। क्वेश्चन नंबर 32, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड। इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन, रेड लाइन, रेड क्लिफ लाइन या डूरंड लाइन। इसका है ऑप्शन ए, मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन नंबर 33, अ लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन द थ्री साइड इज रेफर्ड टू एज। ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं? कोस्ट, पेनिनसुला, आइसलैंड या कंटिनेंट। इसका है आंसर ऑप्शन बी, पेनिनसुला। जैसे कि आपने देखा अभी होगा, जो इंडिया का साउथ पोर्शन है, साउथ, ये मेनली इंडियन पेनिनसुला कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है, यहाँ पे हिंद महासागर है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये तीन तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, इसलिए इंडियन पेनिनसुला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिवर्स ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू फ्लो ईस्टवर्ड डायरेक्शन। इनमें से कौन सी रिवर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है? नर्मदा, तापी, कावेरी या नन ऑफ द अबो। इसका है ऑप्शन सी, कावेरी। जो कावेरी रिवर है, जैसे इंडिया है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, जबकि नर्मदा और तापी इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है। ये अरब सागर में जाके गिरती है, जबकि जो कावेरी है ये वेस्टर्न घाट है इंडिया का, यहाँ से वो निकलती है और बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर। जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं वो कहाँ पे पैदा होते हैं, कहाँ से क्रिएट होते हैं? पोल्स, इक्वेटर, कोस्ट्स या नन ऑफ द अबो। इसका है ऑप्शन बी, इक्वेटर। ये यहाँ पे क्रिएट होते हैं वार्म ओशन करंट्स, इक्वेटर पे। जैसे मैं समझा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये इक्वेटोरियल एरिया है। होता क्या है कि सन की रेज यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती हैं, साल भर लगभग यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती हैं, जिससे कि यहाँ का जो वाटर है ये गर्म हो जाता है और फिर ये मूव करता है। तो यहाँ से ये वार्म ओशन करंट्स क्रिएट होती हैं। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर। कोलकाता किस रिवर पर लोकेटेड है? ऑरेंज, हुगली, भागीरथी या महानदी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हुगली। जो गंगा नदी है वो दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, एक हुगली और दूसरा पद्मा। जो हुगली है ये वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है और जो पद्मा है ये बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदार्स एंड फर्स आर अ टाइप ऑफ। जो देवदार और जो फर्स होते हैं किस टाइप के ट्रीज होते हैं? कॉनिफेरस ट्रीज, डेसीड्यूस ट्रीज, श्रब्स या एवरग्रीन ट्रीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कॉनिफेरस ट्रीज। मेनली ये माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। इनमें से किस प्लेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो मैक्सिमम होती है? एट इक्वेटर्स, एट पोल्स, एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एट पोल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ्स ट्विन। इनमें से किस प्लैनेट को अर्थ का जुड़वा प्लैनेट कहा जाता है? मरकरी, विनस, जुपिटर या सैटर्न। इसका आंसर है ऑप्शन बी, विनस। अब विनस को अर्थ का ट्विन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो विनस है और जो अर्थ है इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा इनका मास भी लगभग लगभग सेम ही है और इसके अलावा इनकी जो कॉम्पोजिशन है यानी कि दोनों लगभग लगभग सेम मटेरियल से ही बने हुए हैं,
इसलिए विनस को अर्थ का ट्विंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडमान इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार बाय विच वाटर बॉडी। इनमें से कौन सी वाटर बॉडी है जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करती है? 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड आइसलैंड इज ऑल्सो नोन एज। जो इंटरकनेक्टेड आइसलैंड्स होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? स्ट्रेट, पेनिनसुला, आर्किपेलागो या लेगून? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्किपेलागो। अब ये होते क्या है इसको हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आइसलैंड्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड आइसलैंड्स हैं, इसलिए हम इसको आर्किपेलागो कहते हैं। तो जो इंटरकनेक्टेड आइसलैंड्स का जो ग्रुप होता है इसको हम आर्किपेलागोस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, उसका नॉर्दर्न पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट या गोदावरी कोस्ट? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोंकण कोस्ट। जैसे कि ये इंडिया का साउथ पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ थ्री साइड से रिवर्स है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक है। तो जो ये इंडिया का कोस्टल एरिया है पूरा, अब ये जो इतना जो कोस्टल एरिया है इसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। जो ये कोस्टल एरिया है इसका नाम है मालाबार कोस्ट, और जो इसका जो ये ईस्टर्न कोस्ट है ये पूरा, इसका नाम है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स इन पर्टिकुलर सीजन। इनमें से किस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होती हैं वो अपनी पत्तियां साल में एक बार गिरा देती हैं? डेसीडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेसीडियस फॉरेस्ट। जो डेसीडियस फॉरेस्ट होती हैं उसमें जो ट्रीज होती हैं वो अपनी लीव्स साल में एक बार किसी पर्टिकुलर सीजन में गिरा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर ऑल्सो नोन एज। जो नॉर्थ अमेरिका का जो टेम्परेट ग्रास लैंड है उसको क्या कहा जाता है? पैम्पास, डाउन्स, स्टीपीज या प्रेयरीज? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रेयरीज। क्वेश्चन नंबर 45, अमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स विच वन लीड्स टू द अकरेंस ऑफ एसिड रेन। इनमें से कौन सा जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक मेजर पॉल्यूटेंट है, जब ये हवा में जो वाटर वेपर्स होते हैं जब उनके साथ ये रिएक्शन करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हवा में सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद हो जाते हैं, और जब बारिश होती है तो उनके साथ वो नीचे आ जाते हैं, और इसको हम एसिड रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुंड्राज, टुंड्राज क्या होते हैं? डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं या हॉट डेजर्ट्स होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोल्ड डेजर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन डज रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर। इनमें से किस रीजन में पूरे साल बारिश होती रहती है? इक्वेटोरियल रीजन, पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन या नन ऑफ दीज? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इक्वेटोरियल रीजन। जो अर्थ का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला इक्वेटर के आस पास का जो ये पोर्शन होता है, यहाँ पे पूरे साल बारिश होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ब्रीज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, सी ब्रीज कब क्रिएट होती है? डे टाइम, नाइट टाइम, सीजनल होती है या ए एंड बी बोथ?
इसका है ऑप्शन ए डे टाइम। अब ये सी ब्रीज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इंडियन इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे ये पूरा ओशन है, ठीक है। अब होता क्या है कि दिन के समय जो लैंड होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, और जो सी होती है एज़ कम्पेयर टू लैंड कम गर्म होती है। तो यहाँ की जो एयर होती है, जो लैंड की जो एयर होती है, ये जल्दी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। तो इस हवा को रिप्लेस करने, ये जो सी होती है, सी यहाँ से हवा आती है इसको रिप्लेस करने, इसको हम कहते हैं सी ब्रिज, ठीक है। तो दिन के समय जितने भी ये कोस्टल एरियाज होते हैं यहाँ पे ठंडी हवाएं लोग फील करते हैं, ठीक है। और इसका रिवर्स रात के समय होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनमें से किसका यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, विंड वेन या रेन गॉज। इसका है आंसर ऑप्शन ए बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज होता है एयर प्रेशर मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फिनोमिना रिलेटेड टू वेदर टेक्स प्लेस इन। वेदर से रिलेटेड मोस्ट ऑफ जो फिनोमिना होते हैं वो किस लेयर्स में होते हैं एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर। इसका है आंसर ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर, जो कि सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। जितने भी जो वेदर से रिलेटेड फिनोमिना जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, जितने भी चीज़ें हैं ये सब ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी सीखे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएँ, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।